हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 या फिर सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जो आज हमारा टॉपिक होगा वो है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इन इंडिया इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से जो ड्यू टू दिस रीज़न और इसके कारण जो एनुअल इंक्रीज है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होना या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ना ये एक ऑब्स्टिकल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमारे नेशन की। एंड ये जो है जो लाइफस्टाइल लोगों की है उसको अफेक्ट करती है बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है अमाउंट इन ऑर्डर टू फुलफिल, जिससे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ केयर सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो प्रॉब्लम आ गई है एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से वो है पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एट्सेट्रा। ऑल्सो ये भी बढ़ गई हैं एंड लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी आ रही है, जैसे कि पोटेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टर एट्सेट्रा एग्जिट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हो रही हैं और ये जो प्रॉब्लम है वो उसका मेन रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो इंडिया के अंदर बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। और इंडिया में बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो मेन कारण है, पहला जो रीज़न है वो है डिक्लाइन इन द डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट का ख़त्म होना या कम होना, बट स्लो। लेकिन जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन धीरे धीरे हो रहा है और जो डेथ रेट है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। तो यही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम बन रही है इंडिया के लिए। देयरफॉर और इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सकता है कि बर्थ रेट को तेज़ी से कम किया जाए। तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है कि बर्थ रेट को कम किया जाए, तो ही हमारी जो प्रॉब्लम है बढ़ती हुई पॉपुलेशन इसको हम कम कर सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। अब हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में को जानने में या उसके बारे में उसके डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए। लिटरेसी मीन्स होता है शिक्षित, एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन। केवल जो पढ़े लिखे और अवेयर सिटीजन होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो सही डिसीजन ले सकें एंड कैन परफॉर्म वर्क और वो काम कर सकें नॉलेज एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। लो लिटरेसी रेट ये एक सीरियस ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल मीन्स रुकावट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011, सेंसिस 2011 के अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति जो जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और हु कैन अंडरस्टैंड, जो समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी लैंग्वेज को, इस कैप उनको रखा गया है लिटरेट कैटेगरी के अंदर। तो यानी लिटरेट किसे बोला जाएगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा हो और जो जो समझ सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है कोई भी लैंग्वेज को। कंडीशन ऑफ लिटरेसी इन इंडिया ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, और जो कंडीशन है इंडिया के अंदर लिटरेसी की वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011। 2011 सेंसिस के अकॉर्डिंग कंट्री के अंदर 74.04% लिटरेट लिटरेसी है, जिसमें से जो मेल रेट है वो 82.14 है एंड जो फीमेल रेट है वो 65.46% है। और अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग जो केरला है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट माना गया है और इसकी जो परसेंटेज है वो 93.91 है। वहीं जो बिहार है वो सबसे कम लिटरेट लिटरेट स्टेट के अंदर आता है और उसकी जो लिटरेसी रेट है वो 63.82% है।
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 के अकॉर्डिंग 3,89,70,500 पर्सन्स आर लिटरेट इन राजस्थान, इतने लोग राजस्थान के अंदर पढ़े लिखे हैं। और स्टेट की जो लिटरेसी रेट है, यानी राजस्थान स्टेट की जो लिटरेसी रेट है वो 67.07 है, जिसमें से जो मेल लिटरेसी रेट है वो 80.51 है और फीमेल लिटरेसी रेट है वो 52.6 है। ड्यूरिंग द पास्ट डिकेट के अंदर इन राजस्थान, येट राजस्थान लेग बैक बिहाइंड, लेकिन फिर भी जो राजस्थान है वो नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट के अंदर पिछड़ा हुआ है। लैक ऑफ लिटरेसी लिटरेसी की कमी की वजह से जो वुमेन है राजस्थान की, खासकर के रूरल एरियाज के अंदर शिक्षा की कमी सबसे ज़्यादा देखी गई है राजस्थान की वुमेन्स के अंदर, खासकर रूरल एरियाज के अंदर। और जो कोटा शहर है, कोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे हाईएस्ट माना जाता है राजस्थान के अंदर लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, और इसके जो लिटरेसी रेट है वो 74.48 है। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वो है 55.58। इंक्रीज इन द स्टेट्स लिटरेसी, और जो स्टेट की लिटरेसी रेट है वो बढ़ी है ड्यू टू वेरियस स्कीम्स, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि लिटरेसी कैंपेन, एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी फॉर ऑल, स्पेशल एम्फेसिस एंड फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट्सेट्रा, ये सारे गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए कुछ स्कीम्स हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी स्कीम्स चलाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू राजस्थान के अंदर लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, तो ये कुछ स्कीम्स हैं। बट स्टिल फीमेल, लेकिन अभी भी जो फीमेल रेट है वो लो है देन मेल लिटरेसी रेट से। नाउ दे वेरियस स्कीम्स, और अब बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो चलाई गई हैं गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट गर्ल एजुकेशन, जिनमें से आउट ऑफ एजेस में से है जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाउचर टू रूरल गर्ल्स, गांधी अवार्ड, आपकी बेटी योजना, देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण, फ्री बाईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स आर मेजर वन, ये कुछ मुख्य योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है पढ़ने के लिए, बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि जो राजस्थान की लड़कियां हैं वो भी पढ़ सकें। नेक्स्ट आता है आपका सेक्स रेशो, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशो। तो इसका जो डेफिनेशन है कि द रेशो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कि भाई मेल और फीमेल जो सिटीजन है पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और या कंट्री और प्लेस, कंट्री स्टेट और प्लेस के अंदर, उसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं। और इसको मेजर किया जाता है, इसके जो मेजरमेंट यूनिट है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ये मेजरमेंट करने का एक तरीका है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल रिसाइडिंग इन ज्योग्राफिकल रीजंस, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स रेशो, और इसको हम सेक्स रेशो कहते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर मानी जाती है, जिससे कि पता चलता है कि इक्वलिटी है या नहीं मेल्स और फीमेल्स मेंबर्स के अंदर, समाज में, सोसाइटी के अंदर। जनरली सेक्स रेशियो ऑफ अ कंट्री डज नॉट फेवर, और ज़्यादातर क्या होता है कि देखा गया है कि जो सेक्स रेशियो है वो फेवर नहीं करता फीमेल मेंबर्स को। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो है हमारी कंट्री का पर 1000 मेल पर केवल 940 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी मेल अगर 1000 है तो केवल 940 ही गर्ल्स हैं, फीमेल हैं। सेक्स रेशो ऑफ स्टेट ऑफ केरला, केवल एक स्टेट केरल स्टेट ही ऐसा है जहाँ का सेक्स रेशो ज़्यादा है, और वो 1084 है, यानी कि यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं, इसका मतलब लड़कियों की स्थिति यहाँ अच्छी है। सेक्स रेशो ऑफ
हरियाणा, हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कम माना गया हमारी कंट्री के अंदर, और वो सिर्फ 877 है। यानी अगर 1000 मेल हैं तो वहाँ पर केवल 877 ही फीमेल पाई जाती है। तो यानी सबसे ज़्यादा कंडीशन अगर लड़कियों की कहीं ख़राब है तो वो हरियाणा के अंदर है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो राजस्थान है वहाँ का जो सेक्स रेशो है वो 9:26 है, जो कि ग्रेटर है, विच इज़ हायर देन द सेक्स रेशो ऑफ 9:21 पर 1000 सेंसस। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग केवल 9:21 था, जो बढ़ के 9:26 हो गया है। तो यानी पहले से बढ़ोतरी हुई है। द सेक्स रेशो डिपेक्ट, जो सेक्स रेशो है वो शो करता है 2011 का इज़ द हाइएस्ट देन एनी अदर सेंसस, जो कि ज़्यादा है किसी भी सेंसस सिंस 1901 से। और ये इंडिकेट करता है कि सोशल प्रोग्रेस हुई है, यानी सामाजिक विकास हुआ है, जिसमें खासकर गर्ल्स का विकास हुआ है। देन एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, अगर हम रूरल एरिया से अर्बन एरिया को कंपेयर किया जाए तो अर्बन एरिया के अंदर ग्रेटर सेक्स रेशो पाया जाता है रूरल रूरल की अपेक्षा। इसका जो मेजर रीज़न है वो है इन फेवर ऑफ मेल मेंबर्स इज फीमेल फर्टिसाइड्स। और इसका जो बड़ा रीज़न है सेक्स रेशो के अंदर कि मेल मेंबर का फेवर करना और फीमेल फर्टिसाइड्स यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ में ही लड़कियों को मार देना। द गवर्नमेंट इज मेकिंग नोटेबल एफर्ट्स, और जो सरकार है वो नोटेबल एफर्ट्स कर रही है जिससे कि जो फीमेल फर्टिसाइड्स हैं इनको रोका जा सके एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। और जो जो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएं गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने की एंड सस्टेनेबिलिटी और उनके ज़िंदा रहने की। हाउएवर दिस प्रॉब्लम कैन ओनली सॉल्व बाई सोशल अवेयरनेस, हालांकि ये जो समस्या है ये केवल सामाजिक जागरूकता की वजह से ही दूर हो सकती है थ्रू एन एजुकेटेड सोसाइटी, या पढ़े लिखे समाज से दूर हो सकती है। डूंगरपुर एंड राजसमंद आर्सस डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वेयर द फीमेल मेंबर्स पर 1000 मेल इज हाईएस्ट। केवल डूंगरपुर और राजसमंद ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के अंदर जहाँ की सेक्स रेशो ज़्यादा है। डूंगरपुर के अंदर 990 है और राजसमंद के अंदर 988 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पर। और जो लोएस्ट सेक्स रेशो है राजस्थान का वो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो केवल 845 फीमेल्स हैं 1000 मेल मेंबर्स पर। तो राजस्थान के अंदर सबसे कम जो सेक्स रेशो पाया जाता है वो धौलपुर में, यानी यहाँ पे लड़कों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। और ज़्यादा हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है वो डूंगरपुर और राजसमंद में पाया जाता है। देन फिर आता है आपका अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन, आप अर्बनाइजेशन से क्या समझते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का मूवमेंट रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर। अगर पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर जाती है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होता है टाउन्स का, ऐसे सरफेस एरिया को सरफेस सच है, जैसे कि सरफेस एरिया, पॉपुलेशन एट्सेट्रा, इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। यानी कि एरिया बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है टाउन का, तो वो अर्बनाइजेशन कहलाता है। और इसके अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में जाती है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो आज़ादी के बाद से स्टार्ट हुआ था, जो कि इंडिकेट करता था थ्रू विच इन विच नंबर एंड साइज सिटीज हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, जो कि कुछ सिटीज के साइज और नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक तरफ तो अर्बनाइजेशन जो है वो इंडिकेटर है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये इसका प्लस पॉइंट है कि अर्बनाइजेशन जो है इंडिकेटर है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कॉन्टेम्प्रेरी सिस्टम। एंड ऑन अदर हैंड भाई दूसरी तरफ जो अर्बनाइजेशन है ये हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। यानी अगर अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और कंटेम्प्रेरी सिस्टम है ये बढ़ रहा है, लेकिन वहीं इसका दूसरी तरफ उसका जो गलत असर पड़ता है वो एनवायरनमेंट पे पड़ता है और नेचुरल रिसोर्सेज पड़ता है। अगर हम देखें पास्ट के सेंसेस को तो जो म्यूनिसिपल काउंसिल है
या कॉरपोरेशन कैंटोनमेंट बोर्ड नोटिफाइड अर्बन एरियाज एक्सेट्रा आर कैप्ड इन द अर्बन रीजन्स, इन सबको अर्बन रीजन्स के अंदर रखा जाता है। रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया जो है वो ज़्यादा है अर्बन पॉपुलेशन की अपेक्षा, अ लिटल लेस देन 3/4 या 3/4 से थोड़ा सा ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है जो गाँव के अंदर रहती है। दिस कंडीशन शोज, ये जो कंडीशन है वो शो करती है कि एग्रीकल्चर इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन, कि जो एग्रीकल्चर है वो मेजर ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री का। एंड रूरल पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, और जो रूरल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है और अर्बन पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग हैं गांव के वो माइग्रेट कर रहे हैं विलेज टू टाउन। इसके लिए कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड अदर अर्बन फैसिलिटीज़ के लिए। तो ये रीज़न बता दिया कि क्यों बढ़ता है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है उसका रीज़न। आउट ऑफ 121 करोड़ पॉपुलेशन, 121 करोड़ पॉपुलेशन जो इंडिया की है, उसमें से 83.3 करोड़ जो हैं वो गांव के अंदर रहते हैं और 37.7 करोड़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहते हैं। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि 70% पॉपुलेशन इंडिया की वो गांव में रहती है। ये कुछ अर्बन, ये पॉपुलेशन बता रहा है कि गांव के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है और शहरों में कितनी रहती है। 1901 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 89.2% जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती थी, रूरल पॉपुलेशन थी, और 10.8% थी जो कि अर्बन पॉपुलेशन थी। अगर वहीं अगर हम कंपेयर करें 2011 से, तो 70% रूरल पॉपुलेशन है एंड 30% अर्बन पॉपुलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल पॉपुलेशन कम हो रही है और अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। 75.13% पार्ट जो राजस्थान का है वो रूरल एरियाज के अंदर रहता है, और बाकी जो बचा 24.87% पार्ट है वो अर्बन एरियाज के अंदर रहता है। राजस्थान से रिलेटेड है। ऑल द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, हालांकि जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन का इज ऑन अ राइज, ये बढ़ रहा है येट इवन टूडे, लेकिन आज भी जो 3/4 पार्ट है पॉपुलेशन का वो गांव के अंदर रहता है और एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, या एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन। तो ये तो था आपका अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन होता है रूरल पीपल का अर्बन एरियाज़ के अंदर, अर्बन एरियाज़ का बढ़ना, टाउन्स का बढ़ना अर्बनाइजेशन कहलाता है। फिर आता है आपका पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है वो प्रोवाइड करती है प्लान स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। इसके अंदर ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, राइट अ शॉर्ट नोट। इसके अंदर आप लिखेंगे ये एक प्लान स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रंस को जो 14 ईयर से कम एज के हैं, डिक्रीजिंग चाइल्ड डेथ को कम करता है, रेट बिलो 30 पर 1000 बर्थ, एंड वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को, और कंप्रेंसिव लेवल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज और डिसीजेज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। प्रमोटिंग द सोसाइटी टू गेट देयर डॉटर, और बढ़ावा दिया जाता है कि वो अपनी बेटियों की शादी लेट करे लेटर ईयर्स, एंड बाय मेकिंग फैमिली प्लानिंग, या फैमिली प्लानिंग करे पब्लिक ओरिएंटेड प्रोग्राम के थ्रू। अ पर्सन हेल्थ एंड डेवलपमेंट कैन बी एश्योर्ड, और किसी व्यक्ति की हेल्थ और डेवलपमेंट एश्योर किया जाता है उसके परिवार के साइज ऑफ फैमिली स्मॉल, यानी अगर किसी परिवार के किसी परिवार का जो साइज है वो अगर छोटा है तो पर्सन की हेल्थ और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा सकता है। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, इस बात को माइंड में रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इनिशिएट करती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए, और ये स्टार्ट किया गया था 1952 के अंदर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज मेड, इसको जो बनाया गया था उसका जो मेन एम था कि वो रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान पेरेंटहुड
बनाए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एफर्ट, और ये जो पॉलिसी है ये रिज़ल्ट है बहुत कई सालों का। ये तो था आपका इस पॉलिसी के बारे में। देन पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान के अंदर ऐसी पॉलिसीज जो राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाई थी, क्योंकि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इज़ द यूनिक ज्योग्राफिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, इसका आपने ही उसका उसके पीछे जो कारण है वो है यहाँ का ज्योग्राफिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। 2/3 पार्ट ऑफ द स्टेट जो है वो डेजर्ट रीजन्स के अंदर आता है, और जो बहुत बड़ा हिस्सा है स्टेट का वो माउंटेनियस है और ट्राइबल रीजन है। फीमेल लिटरेसी रेट इज़ लो, राजस्थान के अंदर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कम है, केवल 52.66% है। सोशल अवेयरनेस इज एन इशू ऑफ कंसर्न, यहाँ पे जो सोशल अवेयरनेस है वो एक इशू है कंसर्न का। इवन टुडे वुमेन्स प्रिफर टू डिलीवरी, और आज भी जो औरतें हैं उनकी जो डिलीवरी है उसको प्रिफर किया जाता है कि घर में ही हो बेबी की डिलीवरी, रैदर देन टेकिंग एक्सपर्ट, या बजाय इसके कि एक्सपर्ट मेडिकल सर्विसेज उनको मिले उस चीज़ के लिए। ड्यू टू लेस पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज है इस वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ है बच्चों के बचने की या हेल्दी रहने की वो और कम हो जाती है। बर्थ फॉर मोर चिल्ड्रन, या ज़्यादा बच्चे, या चाइल्ड मैरिज एंड ड्यू टू डिज़ायर ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी बॉय, या ये इच्छा कि लड़के को जन्म दें। द बर्थ रेट एंड द चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी रेट हैज़ रिमेंड हाई, और जो बर्थ रेट है या चिल्ड्रन मॉर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। इन ऑर्डर टू मेट द चैलेंजेस, और चैलेंजेस को पूरा करने के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से, एफर्ट्स आर बीइंग मेड इन राजस्थान टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन रेट, कि जो पॉपुलेशन रेट है उसको स्टेबलाइज किया जा सके, ऐसी कोशिश की जा रही है थ्रू द वेरियस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं और स्कीम्स चलाई गई हैं। एलिजिबल कपल्स आर बीइंग एजुकेटेड एंड एनकरेज, जो सक्षम कपल्स हैं उनको एजुकेट किया जा रहा है या बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो अपनी फैमिली का साइज छोटा रखें बाय प्रोवाइडिंग दैम, कि उनको जो नेसेसरी फैमिली वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके थ्रू रेगुलर वैक्सीनेशन स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे कि मातृ शिशु स्वस्थ पोषण दिवस और मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान, ये कुछ स्कीम चलाई हैं गवर्नमेंट ने। प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर बीइंग प्रोवाइडेड विद ऑल नेसेसरी सर्विसेज, और जो गर्भवती महिला है और उसके बच्चे हैं उनको जितने भी ज़रूरी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसके वजह से जो चाइल्ड और मदर डेथ रेट है वो कम हो जाए। थ्रू जनमंगल योजना, जनमंगल योजना के थ्रू जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज आर बीइंग इंक्लूडेड इन फैमिली वेलफेयर स्कीम्स, जो फैमिलीज हैं वो इंक्लूड हो रही हैं फैमिली वेलफेयर स्कीम से, विलेजेस इन ऑल द विलेजेस गाँव के अंदर, एंड दे ऑल विंग प्रोवाइड विद द नेसेसरी रिसोर्सेज, और उनको सारे जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। वुमेन प्ले अ मेजर रोल, और जो औरत है वो औरतें हैं जो इसमें मेजर रोल निभाती हैं प्लेइंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, देयरफॉर प्रोविज़न हैव बीन मेड, और इसी वजह से जो प्रोविज़न है वो बनाया गया है जिससे कि जो औरतें हैं उनको स्ट्रेंथ मिले, उनकी हेल्थ उनके लिए हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं। सो द वुमेन रिसाइडिंग डिफरेंट रीजन्स, जिससे कि जो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में रहने वाली जो औरतें हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल सके अलग अलग फैमिली वेलफेयर स्कीम्स की, जो कि सरकार के थ्रू चलाई जा रही हैं, और उनका बेनिफिट उनको मिल सके थ्रू वेरियस स्कीम्स, और कई स्कीम्स के थ्रू जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम इन डिस्टेंस प्लेसिस पर, उसका उनको बेनिफिट मिल सके। तो ये था सारा आपका पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान। तो इस तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो जो मैंने इसमें निशान लगाए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से बन सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन
पॉलिसी ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड बन सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 क्या है उसके बारे में लिखना है, या आपसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या आपसे सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें जो हाईलाइट की हैं मैंने, आप इसको याद कर लेना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।